Hi students, this is the second part of the lesson, Nazism and the Rise of Hitler. Hitler's rise to power. This crisis in the economy, polity and society form the background to Hitler's rise to power. Ye crisis, arthik crisis, politically crisis, ye sab Hitler ko adhikar mein aane ka ek background banata hai. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. तो इसका जन्म हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में होता है और उसकी बचपन पूरा गरीबी में बीतता है. When the First World War broke out, he enrolled for the army and acted as a messenger in front, became a corporal and earned medals for bravery. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है इन्होंने भी आर्मी में ज्वाइन करता है और इन्होंने एक मैसेंजर का काम करता है. मैसेंजर मीन्स जो न्यूज़ या कोई भी जो कम्युनिकेशन करने का बात है जो मेन आर्मी ऑफिशियल से फ्रंट तक पहुंचा काम करता है और धीरे धीरे एक कॉर्पोरल बन जाता है और इसको हिम्मत के लिए ब्रेवरी का अवार्ड भी मिलता है. जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वासलेस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. जर्मन का डिफीट उसको डरा दिया और वैसलेस में जो ट्रीटी हुआ उससे वो बहुत नाराज थे कि 1919 ही जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी. तो 1919 में इन्होंने एक छोटी पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी में ज्वाइन करता है. ही सबसिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड री नेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. बाद में ये पार्टी पूरे ये अपने हाथ में ले लेते हैं और उस पार्टी का नाम द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी करता है. दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी. ये पार्टी आगे जाके नाजी पार्टी के नाम से फेमस हुआ. इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पार. तो 1923 में हिटलर ने क्या किया, बवेरिया इलाके को कैप्चर करना सोचा और उधर से बर्लिन की ओर मार्च करके अधिकार हासिल करने का सोचता है. ही फेल्ड, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं होता है. वाज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड. उसको अरेस्ट किया जाता है, देशद्रोह के जुर्म में उसके ऊपर केस चलता है, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया जाता है. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. ये नाजी लोगों का विश्वास 1930 तक हासिल करना मुश्किल हो गए थे. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. लेकिन Great Depression के समय पे ये Nazism एक बहुत बड़ा movement बन जाता है. As we have seen, after 1929, banks collapsed, businesses shut down, workers lost their jobs and middle classes were threatened with destitution. तो हमने देखा 1929 के बाद में बैंक सब बर्बाद हो जाता है, बिजनेस सब बंद हो जाता है, वर्कर्स का जॉब चल जाता है और मिडिल क्लास को भीख मांगने का हालत में आ जाता है. इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टेट होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर. तरीके का हालात में सब जगह पे निराश की हालात थे उस समय पे नाजी लोगों की जो प्रोपेगेंडा लोगों की एक उम्मीद का किरण था. इन 1928 द नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन राइस्टैग द जर्मन पार्लियामेंट. 1928 के इलेक्शन जब हुआ था नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे राइस्टैग के लिए जैसे जर्मन पार्लियामेंट में. बाई 1932 It had become the largest party with 37% vote. लेकिन दो साल के अंदर, दो या चार साल के अंदर इस पार्टी जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी बनता है. 37% के साथ सबसे बड़ा पार्टी बनता है. हिटलर वाज़ ए पावरफुल स्पीकर. हिटलर का एबिलिटी क्या था, ये बहुत करिश्माटिक लीडर था. दैट मीन्स अपने भाषण से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये एक एबिलिटी था. His passion and his words moved people. उन्होंने जोर से भाषण देते थे और उस भाषण को सुन के लोग उसकी प्रति आकर्षित होते. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. वो अपने भाषण में जोर
बड़े आवाज में कहते थे, मैं जर्मनी को एक मजबूत राज्य बनाएंगे। जो उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ था, जो वैसलेस ट्रीटी के, वो सब डिग्निटी को वापस हासिल करेंगे। एंड प्रॉमिस टू एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हू लुक फॉर वर्क। और ये प्रॉमिस भी किया, जितने भी लोग काम की तलाश में, सबको काम दिया जाएगा। एंड सिक्योर फ्यूचर ऑफ फॉर द यूथ। और कहा था जवान लोगों का भविष्य सुनहरे बनाएंगे। ही प्रॉमिस टू वेड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरसीज अगेंस्ट जर्मनी। उन्होंने कहा जो भी विदेशी लोगों का असर हमारे देश में हुआ, उन सबको मैं हटा देंगे, और विदेशी लोगों के हमारे प्रति जो नाराजगी है या जो भी हमारे खिलाफ जो काम करेगा, उन सबको सबक सिखाएंगे। हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर उस समय पे जो चलने वाला पॉलिटिक्स नहीं खेले थे, इन्होंने एक अलग प्रकार का पॉलिटिक्स खेले थे। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेक इन मास मोबिलाइजेशन। इनको पता था जो रिचुअल्स, कुछ परंपराएं, कुछ स्पेक्टेकल, लोगों को आकर्षित करने वाला स्पेक्टेकल्स दिखाना है, लोगों को मोबिलाइज करना हो। तो नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज, इसके लिए इन्होंने बड़े बड़े रैलीज करते थे ऑफ द पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ फॉर हिटलर। तो मैसिव रैलीज दिखा के लोगों को दिखाते थे इस व्यक्ति के पीछे बहुत सारे, तो लोगों के मन में एक विश्वास जगाने के काम था ये। एंड द रेड बैनर्स विथ स्वास्तिका, द जर्मन सैल्यू, नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर स्पीचेस वेयर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टेकल ऑफ पावर। तो ताकत का निशानी की तौर पे इन्होंने रेड बैनर्स इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नाजियों की एक अलग तरीके का सैल्यूट होता है, और अप्लोस हर एक भाषण के बाद में एक नियंत्रित तरीके से अप्लोज करने का परंपरा भी किया। ये सब लोगों के लिए नए थे, तो ये लोग नए चीजों तो वक्त लोग उसकी प्रति आकर्षित हो जाता है। नाजी प्रोपगंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मेसिया। तो नाजी ने प्रोपगंडा के तौर पे हिटलर को एक मेसिहा के तौर पे उनके सामने पेश करता है। सेवियर, मेसिहा मीन सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेसेस। ऐसे दिखते थे एक भगवान के अवतार, लोगों को अपनी मुसीबतों से मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति, वैसे देखते थे इसको। उस तरीके का प्रोपगंडा चलाए थे। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड एंड हु वर लिविंग इन टाइम ऑफ अक्यूट इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल क्राइसिस। ये सब उस लोगों को जो अपने इज्जत, अपने गर्व सब बर्बाद हुए एक लोगों को एक उम्मीद की किरण के तौर पे आता है उनके सामने हिटलर। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। 30 जनवरी 1933 में उस समय का प्रेसिडेंट था हिंडनबर्ग, इन्होंने चांसलरशिप देता है हिटलर को। चांसलर का मतलब होता है भारत का प्रधानमंत्री के बराबर होता है। बाय नाउ नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव टू देयर कोर्स। अब तक कंजर्वेटिव लोगों को भी नाजी लोग अपने पक्ष में कर लेता है। हैविंग एक्वायर्ड पावर, एक बार अधिकार हाथ में आ जाता है, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। हिटलर धीरे धीरे डेमोक्रेसी का हर एक स्ट्रक्चर तोड़ना शुरू कर लेते हैं। ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब्रुवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। तो इसमें इस काम के लिए उसको मदद मिले थे, एक फायर हुए थे जर्मन पार्लियामेंट के अंदर। वो कैसे हुआ आज भी किसी को पता नहीं, उससे शुरू होता है। तब उन्होंने एक फायर डिक्री ऑफ 8 फरवरी 1933 इंडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस
असेंबली दैट हैड बीन ग्रांटेड बाय द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फायर डिग्री पास करता है 28 फरवरी 1933 में, उससे तो एक अनिश्चितकालीन काल के लिए सिविल राइट्स बंद कर लेता है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद कर लेता है और प्रेस का आज़ादी को बंद कर लेता है। ये सब वेमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में था, इन सब को सस्पेंड करता है। देन ही टर्न ऑन हिज आर्च एनिमीज, तो उसके बाद वो मुड़ता है सबसे बड़ा दुश्मन द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ हुम वेर हरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टैब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। इनमें से ज़्यादातर कम्युनिस्ट लोगों को पकड़ के ये नए कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे उधर भेज देता है। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वेर सीवियर, कम्युनिस्टों के खिलाफ के इनका जो जो एक्शंस बहुत ही कड़े थे। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,880 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डेसलडॉर्फ, ये स्मॉल ऑफ हाफ मिलियन पॉपुलेशन, 1,440 वेर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। उसका एक एग्जाम्पल है, आप देखो डेसलडॉर्फ नाम की एक छोटी सी शहर है, उधर करीब 5 लाख लोगों का आबादी है। उधर का एक केस फाइल है, करीब 6,808 फाइल्स मिले थे, उनमें से अकेले जो कम्युनिस्टों की फाइल था 1,440। दे वेर हाउएवर ओनली वन अमॉन्ग 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स परसिक्यूटेड बाय द नाज़ीस अक्रॉस द कंट्री। तो ये कम्युनिस्ट अकेले नहीं थे, ये 52 अलग अलग प्रकार की लोगों के खिलाफ नाजी लोगों ने एक्शन लिया, उनमें से एक ही था ये कम्युनिस्ट लोग। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास। 3 मार्च 1933 को ये एक पास करता है जिसको कहता है एनेबलिंग एक्ट। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, इस एक्ट एनेबलिंग एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जर्मनी में एनेबलिंग एक्ट के जरिए डिक्टेटरशिप का स्थापना होता है। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। इस नियम के अनुसार हिटलर को पार्लियामेंट के पूछे बिना अपने मर्जी से शासन करने का अधिकार दिया जाता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स अलाइज। जर्मनी का जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से उसको बैन करता है, सिर्फ नाजी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों के अलावा बाकी सारे पार्टी को बैन करता है। द स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। सरकार का नियंत्रण अंदर लाया पूरी तरह आर्थिक स्थितियों को, इकोनॉमी को, मीडिया को, आर्मी को, जुडिशरी, ये सब सरकार के अंडर में लाता है। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटीज फोर्सेस वेर क्रिएटेड टू कंट्रोल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, सामाजिक व्यवस्था मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेशल जो जासूसी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए फॉर स्टॉर्म ट्रूपर्स, दिस इंक्लूडेड गेस्टापो एंड एसएस स्पेशल प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस। तो इसमें क्या है, रेगुलर पुलिस के अलावा एसए किया स्टॉर्म ट्रूपर्स के नाम से, गेस्टापो, सीक्रेट पुलिस, एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, ये सबको साबित करता है। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दिस न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेस दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेप्यूटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही ऊपर कुछ अधिकार दिए थे, दैट मीन्स उसको बिना पूछे कुछ भी एक्शन लेने का जो अधिकार दिए थे, इसकी वजह से पूरे दुनिया का सबसे डरावना, सबसे गंदे राज्य बने थे नाजी स्टेट। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन जर्मन टॉर्चर चैम्बर, तो लोगों को बिना वजह पकड़ के लेके जा सकते थे और गेस्टापो के टॉर्चर चैम्बर होते, उधर जाके टॉर्चर कराते थे। राउंडेड अप एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेटेड, और सबको पकड़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाते थे। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, या देश से बाहर निकाल सकते थे या बिना कोई कानूनी वजह से लोगों को अरेस्ट कर सकते थे। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटी, अपने मर्जी से शासन करने का अधिकार पुलिस को मिलते थे। द रिकंस्ट्रक्शन,
Hitler assigned the responsibility of economic recovery to economist Hazelmar Schacht. तो हैजलमार शैट को इसको इकोनॉमी को सुधारने का जिम्मेदारी देते हैं, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. इन्होंने एक वर्क क्रिएशन प्रोग्राम शुरू करता है जिसमें पूरा प्रोडक्शन पूरा एम्प्लॉयमेंट, यह था उसका जो मोटो. द प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार वैगन. तो इस प्रोजेक्ट के जरिए आज आप जर्मनी में गया तो उधर का सुपर हाईवे के लिए फेमस है जर्मनी, उसका निर्माण करता है और पीपल्स कार वॉक्स वैगन का निर्माण होता है. वॉक्स वैगन आप लोग परिचित है, हमारे देश में भी खूब है. इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस. विदेश नीति में भी बहुत जल्दी हिटलर को कामयाबी मिलता है. ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1930. तो लीग ऑफ नेशन आप जानते होंगे, छोटे क्लास में आपने पढ़ा है. लीग ऑफ नेशन दुनिया में अभी का जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी जैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन था पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे. उसमें से ये लोग जर्मनी को वापस ले लेते हैं. री ऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936. उसके बाद इन्होंने क्या करता है, राइनलैंड को दोबारा कैप्चर कर लेता है एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन. तो 1936 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ जोड़ता है. उसके लिए इन्होंने एक स्लोगन इस्तेमाल किए थे, वन पीपल वन एम्पायर और वन लीडर. ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुटेंडन लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया. उसके बाद उन्होंने जो जर्मन भाषा में बात करने वाला एक इलाके था चेकोस्लोवाकिया में सुटेंडन लैंड, उसको भी कैप्चर करता है एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री. पहले तो जर्मन स्पीकिंग इलाके काउंटर करने के लिए जाता है, स्विट्जरलैंड लैंड को पहले काउंटर करता है, फिर बाद में क्या करता है पूरे कंट्री को ही काउंटर कर लेता है. इन ऑल दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड. इन सब में इंग्लैंड का सपोर्ट था इसके पास. विच हैड कंसिडर द वैसले वर्डिक्ट टू हार्श, क्योंकि इंग्लैंड को लगे थे वैसले में जो जर्मनी के साथ हुआ था बहुत ही हुआ था, नाइंसाफी हुआ था, इसलिए ये थोड़ा बहुत करने दो, ऐसे सोचे थे इंग्लैंड. These quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country. बहुत जल्दी ये सब कामयाबी देश में और बाहर में मिलने से इस देश का भविष्य चेंज होने वाला था. Hitler did not stop here. Hitler रुकता नहीं है. Schacht had advised Hitler against investing largely in rearmament as the state still ran on deficit financing. तो Schacht हिटलर को कहा दोबारा आर्मी बनाने के लिए आर्मी के लिए ज़्यादा पैसे खर्च मत करना, क्योंकि अभी भी हम जो उधार से चल रहे हैं इसलिए नहीं करना है, ऐसे कहते हैं. कोशिश पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाज़ी जर्मनी. लेकिन जो कौशन से काम करने वाले लोगों का स्थान नहीं था नाज़ी जर्मनी में. Schacht had to leave. Schacht को हटा दिया गया. हिटलर चोज वार एज अ वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. हिटलर ने जो आर्थिक जो मुसीबत आने वाला था उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका हिटलर के सामने दिखा, वो था युद्ध. रिसोर्सेस वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. उनको लगा तो आपकी संसाधनों को बढ़ाने के लिए दूसरे कंट्री को कैप्चर करना है. इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड. सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड के ऊपर आक्रमण करता है. This started a war with France and England. इससे क्या होता है, फ्रांस और इंग्लैंड से युद्ध हो जाता है. इन सेप्टेम्बर 1940 ये ट्रिपार्टिएट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान. तो 1940 में तीन देशों के बीच में एक समझौता करता है जर्मनी, जर्मनी इटली और जापान के साथ, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर. अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपना ताकत बढ़ाने का हिटलर का ये कोशिश था. इससे पपेट रेजिम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप. तो बहुत सारे कठपुतली शासकों को जर्मनी के आसपास के इलाके में साबित करता है. बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर. 1940 तक हिटलर अपने अधिकार के सबसे ऊंचाई तक पहुंच गए थे. हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप. अभी हिटलर
तय करता है। उनका सबसे बड़ा एक इच्छा था पूरे ईस्टर्न यूरोप को कॉन्कर करना, उसके लिए निकल पड़ता है। ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। इसका कारण क्या था? जर्मन लोगों के लिए खाने का लिए खेती करने का जमीन चाहिए और लोगों को रहने के लिए जमीन चाहिए। ही अटैक सोवियत यूनियन इन 1941। वो सोवियत यूनियन को अटैक करता है जून 1941 को। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट्स टू द ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। इस ब्लंडर हिटलर किया हुआ सबसे बड़ा गलती था सोवियत यूनियन को 1945 में अटैक करना। इससे क्या होता है, जब ईस्टर्न साइड में सोवियत यूनियन के खिलाफ युद्ध करने के लिए गया, इस वेस्टर्न साइड से ब्रिटेन को अटैक करने का मौका देता है, एरियल बॉम्बिंग करने का मौका देता है। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड क्रशिंग ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन द जर्मन एट स्टालिनग्राद। स्टालिनग्राद पहुंचते ही सोवियत यूनियन का रेड आर्मी इसको बुरी तरह हरा देते हैं। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। और उसको पीटते हुए सोवियत यूनियन की आर्मी जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक आके उसको मारता है, एस्टैब्लिशिंग सोवियत हेगेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ सेंचुरी देयर आफ्टर। उसके बाद के 50 साल तक उस इलाके पूरी तरह सोवियत यूनियन के अंडर में आ जाता है। मीनवाइल द यूएस हैड रेजिस्टर्ड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड। इस समय पर यूएस इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने शामिल होकर काफ़ी नुकसान उठाए थे, ग्रेट डिप्रेशन हुए थे, इसकी वजह से वो तैयार नहीं थे। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग, लेकिन लंबे समय तक उसको भी ये युद्ध से दूर नहीं रह पाया। जापान वॉज एक्सपैंडिंग पावर इन द ईस्ट। उस समय पर क्या था, जापान ईस्ट में अपना ताकत बढ़ा रहे थे। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग टू अटैक ऑन US नेवल बेसिस इन द पैसिफिक। उन्होंने क्या किया, फ्रेंच इंडो चाइना जैसे वियतनाम है उसको अटैक किए थे, और अभी वो प्लान किया था जो USA का पैसिफिक में एक नेवल बेस था पर्ल हार्बर, उसको अटैक करने के लिए तय करता है। वेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द US बेस एट पर्ल हार्बर, द US एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड। जापान हिटलर को सपोर्ट करते हुए USA का जो बेस है, जो पर्ल हार्बर है, पैसिफिक ओशियन का जो पर्ल हार्बर है, उसमें बॉम्ब करता है, यूएस भी मजबूरन विश्व युद्ध में एंटर होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। द वॉर एंडेड इन मई 1945। मई 1945 में वॉर का एंड होता है, हिटलर्स डिफीट, हिटलर हार जाता है। यूएस ड्रॉपिंग द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन यूएस एटम बॉम्ब गिराता है हिरोशिमा और नागासाकी में। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story. तो इधर Second World War end होता है, अभी हम चलते हैं, ये lesson शुरू होते वक्त एक Helmut की कहानी बताए, उसको देखते हैं। A story of Nazi criminality during the war. ये कहानी है नाजियों की जो criminality उन्होंने युद्ध के समय पर की है उसके बारे में है। Thank you. Now we will learn the next part in the next video. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share to your friends. Thank you.